ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत सारे भगवद गीता मिल जाएंगे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा भगवद गीता मिलेगा जो एक्सपीरियंशियल बेसिस पे लिखा गया है। अब एक्सपीरियंशियल बेसिस क्या है, चलिए उसको समझते। बेस भगवद गीता कौन सा है उसको बोलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मेरा ये पर्सनल ये ओपिनियन है कि ये भगवद गीता बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और मैं इसको ही फॉलो करता हूँ, लेकिन हो सकता है आपको किसी और का कमेंट्री पसंद हो। लेकिन बात यहाँ पर ये आता है कि कोई भगवद गीता अगर बहुत ज़्यादा बायस्ड हो, या फिर किसी भगवद गीता में सिर्फ भेद दिखाया गया है, किसी भगवद गीता में सिर्फ डिमीन किया है अलग अलग फिलोसॉफी को, ऐसे अगर कोई भगवद गीता है को, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भगवद गीता ऐसे मत पढ़िए, क्योंकि इससे आपका एक ब्रेन वॉश या फिर ब्रेन कंडीशनिंग हो जाता है ताकि आप उस फिलोसॉफी के बाहर कुछ देख ही नहीं पाओगे। और भगवत गीता आपको बांधता नहीं है, भगवत गीता आपको मुक्त करता है, भगवत गीता आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचने का मौका देता है। और अगर कोई भगवत गीता ऐसे कमेंट्री में लिखा गया है जिससे आपका नैरो माइंडसेट हो जाए, तो ये ऑब्वियसली हो सकता है कि आप गलत पढ़ रहे हो या फिर वो भगवत गीता कमेंट्री गलत है। तो कौन सा भगवत गीता गलत है, ये है वो है, हम इस वीडियो में तो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है बेस्ट भगवत गीता मेरे हिसाब से क्या है। बेस्ट भगवत गीता जो मेरे हिसाब से है वो है भगवत गीता साधक संजीवनी, जो स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है, और गीता प्रेस से ये आपको मिल जाएगा। और ये जो भगवत गीता साधक संजीवनी है, इसको स्वामी राम सुखदास जी ने अनुभव के हिसाब से लिखा है, जैसा उनका अनुभव रहा है, पूरे भगवत गीता को उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, भगवत गीता में वो जिए है। अगर उनका आप और ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे वो भगवत गीता में जिए है। और इस वजह से भगवत गीता जो उन्होंने लिखा है वो पूरा एक्सपीरियंशियल विषय पर आधारित है, क्योंकि एक होता है कि आप कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और फिर ज्ञान को दे रहे हो, तो वो एक मार्ग हो सकता है। लेकिन एक हो सकता है कि आपने ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसको आपने लिव किया, मतलब उसको आपने जिया है, उसको आपने एक्सपीरियंस किया है, खुद आप खुद पालन कर रहे हो हर एक बात को, और फिर आप उस ज्ञान को जैसा आपका अनुभव है उसको दान कर रहे हो। और ऐसे ही स्वामी राम सुखदास जी ने हमको भागवत गीता साधक संजीवनी दिया है, ताकि हम सब भी ऐसे भगवत गीता को जी सके। ना इसमें कोई आपको भेद दिखेगा, ना ही कोई इंटरपोलेशन है, ना ही किसी भी फिलोसॉफी को, किसी भी संप्रदाय को टारगेट किया है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स है, जैसे कि अद्वैत हो गए, द्वैत हो गए, विशिष्ट अद्वैत हो गए, बहुत सारे हैं। ऐसे कोई भी किसी भी फिलोसॉफी को इस भगवद गीता में टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि भगवत गीता साधक संजीवनी भगवत गीता का जो रियल एसेंस है, जो रियल फिलोसॉफिकल बातें हैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता है, रियल जो स्पिरिचुअल टॉक्स है उसको आपके सामने प्रेजेंट करता है, रियल जो भक्ति है स्पेशली उसको आपने आपके सामने रखता है। स्वामी राम सुखदास जी ने कॉन्फर्मेशन बायस की तरह इसको नहीं लिखा है, मतलब खुद अपने हाथ से कुछ सोचा है और किसी एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी के अंदर वो सोच कर ये भगवद गीता लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने जो रियल एसेंस है भगवद गीता का वही बताया है, और इससे भगवत गीता साधक संजीवनी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है, जिससे आप नॉलेज ले सके। सो आपको अगर ये भगवत गीता लेना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसे ही और भी सारे वीडियोस लेकर हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।